गाइस भड़केश्वर महादेव जो है उसकी अभी आरती चालू हो गई है। मैं आपको आरती दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी आरती हो रही है यार। तो यहाँ है मंदिर का जाने का रास्ता सामने की साइड, इधर आप देख सकते हो, और इधर बहुत बड़ा शिव जी का स्टैचू है। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आज आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। आज मैं आ चुका हूं द्वारका। जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बोला था कि हम द्वारका आने वाले हैं, तो मैंने वीरावल से डायरेक्ट अपनी ट्रेन पकड़ी और द्वारका आ गया। वीरावल में हमने अपना पांचवा ज्योतिर्लिंग कवर किया था, इस व्लॉग में हम अपना सिक्स्थ ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं जो कि द्वारका के ही पास है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से द्वारका आकर आपको कम से कम 12 किलोमीटर की दूरी पर दारुका वानम की एक जगह है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहीं पे नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो सिचुएटेड है। तो आज हम इस व्लॉग में वही कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ, जैसे कि आपको पता है कि द्वारका जो है वो द्वारकाधीश की नगरी है, कृष्ण जी की नगरी है। हम कृष्ण जी को द्वारकाधीश के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता होगा। तो हम उसके साथ साथ यहाँ के जो पॉइंट्स हैं द्वारका में, जो भी यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मंदिर हैं इम्पॉर्टेंट मंदिर, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, देर नहीं करता हूँ और सीधे आपको लेकर चलता हूँ द्वारका घुमाने पर। सबसे पहले हम जो मेरी सीरीज़ का मकसद है वो यही है कि हम इन सारी सीरीज़ में, ये हमारा सिक्स्थ ज्योतिर्लिंग है, हम इस सीरीज़ में ज्योतिर्लिंग कवर करते हैं। तो ये सिक्स्थ वाला जो पार्ट है ये नागेश्वर में होगा, तो नागेश्वर को कवर करने के बाद हम बाकी का द्वारका भी साथ में घूमेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर आने का एकमात्र ज़रिया यही है कि आप ट्रेन से आ जाएं और ट्रेन डायरेक्टली आपको द्वारका में उतार देगी। दूसरा तरीका यह है कि आप आना चाहें अगर फ़्लाइट से, तो जामनगर एक एयरपोर्ट है जो यहाँ से बहुत पास में है, आप वहाँ पे उतर के डायरेक्टली द्वारका आ सकते हैं। ये दो ही तरीके हैं। इसके अलावा बसेस जो हैं, बसेस की इतनी यहाँ पर रीच नहीं है, डायरेक्ट बस नहीं आती है, तो आपको दो तीन बार बस बदल के ही आना पड़ेगा। और ट्रेन्स के साथ भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको दो तीन बार ट्रेन्स बदल के आना पड़ेगा, डायरेक्ट द्वारका के लिए नहीं मिलेगी। मैंने इंदौर से बस भी सर्च करी थी द्वारका के लिए, इंदौर से इवन मैंने ट्रेन भी सर्च करी थी, मुझे नहीं मिली, पर मुझे वीरावल तक की मिल गई, जस्ट बिकॉज मुझे वीरावल आना ही था। वहाँ पर हमने अपना फिफ्थ ज्योतिर्लिंग कवर किया था सोमनाथ, और यहाँ पर हम अपना सिक्स ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं, इसलिए मुझे वीरावल से डायरेक्ट ट्रेन मिल गई द्वारका के लिए। और यहाँ तो दूसरी कनेक्टिविटी आपको अहमदाबाद से मिलेगी, अहमदाबाद यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटा दूर है। अहमदाबाद तक आप आ जाइए और अहमदाबाद से फिर आपको दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी द्वारका तक, और यहाँ तो आप बस में भी आ सकते हैं अहमदाबाद से द्वारका के लिए। तो इतना ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूँ कि होटल्स आपको कहाँ पर लेने हैं, तो होटल्स आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो द्वारकाधीश टेम्पल है उसके आसपास ही लीजिएगा, ज़्यादा दूर मत लीजिएगा। फिलहाल मैं हूँ अपने होटल स्वाति में, इस जगह का नाम होटल स्वाति है, ये 3-स्टार होटल है, इनका कहना तो यही है ये 3-स्टार होटल है और ठीक ठाक अच्छा होटल है, एसी वेसी सब कुछ है, इन्होंने सब कुछ दिया है, बेड वेड सब कुछ अच्छा ही है, क्लीनलीनेस है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। पर मेरे को नहीं लगता कि ये फैमिली के हिसाब से बहुत सफिशिएंट रूम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा सामान बिखरा हुआ है यहाँ पर, ये रूम है और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इन्होंने, मिनी बार नहीं है उसमें, आप मिनी बार का एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ पर मिनी बार नहीं है, और डिसेंट सा एक वॉशरूम वाला एरिया है, आप देख सकते हो। आप आना चाहो, अगर बजट ऑप्शन में आपको रहना है तो आप रह सकते हो, एसी और सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करी है। व्यू इतना कोई ख़ास नहीं है, पर एक इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक तो द्वारकाधीश टेम्पल, दूसरा यहाँ पर जो गोमती घाट है वो भी पास में है, सुदामा सेतु वो भी पास में है। अप्रॉक्सीमेटली ये सारी जगहें 1-1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और द्वारका का इस्कॉन वो भी यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आके रुका, और मैंने सोचा कि मैं रेलवे स्टेशन के पास नहीं रुकता, हालांकि जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बट स्टिल मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको ज्योतिर्लिंग और सारी जगहें अगर एक बार विजिट करनी है
तो डायरेक्टली आप द्वारकाधीश टेम्पल के आसपास की जितनी भी होटल्स हैं उसमें आके रुक सकते हो। आपको बजट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, डॉर्मिटरीज भी मिल जाएंगे यहाँ पर, हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे और होम स्टेज भी मिल जाएंगे, तो बहुत ईजी है यहाँ पर, कोई भी इशू नहीं आएगा। पर फिलहाल मैं हूँ होटल स्वाति में, और अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ फाइनली और घूमते हैं द्वारका। आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले पॉइंट पे आए हैं जिसका नाम है रुक्मणी देवी मंदिर। रुक्मणी जी का मंदिर है ये, दिखाता हूँ। ये रहा, ओल्ड है, पूरा आर्कियोलॉजिकल है, एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल साइट ही है ये पूरी। बहुत पुराना मंदिर है इसलिए। खैर चलते हैं अभी अंदर की तरफ और दिखाता हूँ कैसा है ये। इस मंदिर के अंदर तो फोटो खींचना वैसे अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है अंदर से। माँ रुक्मणी जी की ये मूर्ति आप देख सकते हो, और यह है मंदिर बाहर से, और सामने की तरफ ये पूरा अरेबियन सी का ही पानी है। विंडमिल्स लगे हुए हैं इसके पास में, पूरे समुद्र के कॉर्नर में ही बना हुआ है। खैर चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ये जब आप जाओगे नागेश्वर की साइड तो रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हमने ये विज़िट कर लिया। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम नागेश्वर मंदिर में, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्टैचू बना हुआ है शिव जी का यहाँ पर, बहुत ही प्यारा है। और इस साइड है मंदिर आप देख सकते हो। चलते हैं अभी अंदर की तरफ, यहाँ पर है पार्किंग। ज़्यादा कोई खास भीड़ तो दिख नहीं रही है आज, पर हो सकता है अंदर हो। और यहाँ पर कुछ खाने पीने की जगह है। खैर अंदर चलते हैं अभी। यहाँ पे गणेश जी विराजमान है ऊपर। ये है नागेश्वर मंदिर। और यहाँ से है मंदिर में जाने का रास्ता। और ये रहा सामने मंदिर। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो शायद दिखा नहीं पाऊँगा अंदर की तरफ क्या है, पर यहीं से मंदिर है। कैमरा मोबाइल नॉट अलाउड। ले लिया।
सच कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है गाइस यहाँ पर बिल्कुल भी। ज्योतिर्लिंग जो है पूरा एम्प्टी है और ये है पूरा मंदिर, और सामने की तरफ आप देख सकते हो ज्योतिर्लिंग जो मैंने आपको आगे से दिखाया अभी। ज़्यादा कोई ख़ास आज भीड़ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल रहा है कुछ तो प्रसाद यहाँ पे अलग अलग जो आप चढ़ा सकते हो, रुद्र अभिषेक कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे नंदी जी विराजमान है जो आपकी कामना हो मांग लेना। ये है पूरा मंदिर अंदर से आप देख सकते हो, और यहाँ है माता जी ऊपर लगा हुआ है त्रिशूल। जय माता दी। इधर का प्रसाद और चीज़ें मिल रही है आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं साइड में अवेलेबल है। आदि योगी के स्टैचूज साइड में, बुक्स हैं, कुछ शिव महापुराण और बाकी सारी बुक्स, गीता। बहुत आराम से हो गए दर्शन यार, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई जैसे दूसरे मंदिरों में होती है, आपने देखा होगा पास्ट व्लॉग्स में। पर यहाँ बहुत शांति है, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है और ज़्यादातर लोकल्स ही हैं यहाँ पर। तो फाइनली गाइस लिख दो कमेंट्स में हर हर महादेव, और चलते हैं अभी बाहर की तरफ और बाहर से आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो ये है मंदिर का एग्जिट गाइस, और देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है मंदिर, ध्वज लहरा रहा है ऊपर। और ये सामने इधर एक और महादेव जी का मंदिर है आप देख सकते हो। महादेव माँ पार्वती के साथ यहाँ पे विराजमान है, और ये नंदी जी हैं। कोई ज़्यादा खास इतनी भीड़ नहीं है आज बिल्कुल भी, ये काफ़ी मज़ा आ रहा है, शांति है बहुत। एक यज्ञशाला बनी हुई है अंदर पंडित जियों की, और यहाँ से पीछे जो है यहाँ पर लेक है पीछे की साइड, देखो लेक लिखा भी हुआ है देख सकते हो, ये वाला लेक है मंदिर के पीछे। और वही वो जो सामने वाले रास्ते, जो विंडमिल वाले रास्ते मैंने आपको दिखाए, विंडमिल्स बहुत हैं यार यहाँ पे, पूरी लेक है इसमें, मछलियाँ हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक सेक्रेड ट्री है,
चला जाए अब बाहर की तरफ, बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ है मंदिर का जाने का रास्ता सामने की साइड, इधर आप देख सकते हैं, और इधर बहुत बड़ा शिव जी का स्टैचू है जो बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। आगे आप देखोगे तो इसके आगे एक शेर भी बना हुआ है। गाइस बहुत जल्दी से हो गए और बहुत अच्छे हो गए। खैर उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। खैर अभी हम अपने दूसरे स्पॉट पे चल रहे हैं और वो चल के अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत मज़ा आया है यार यहाँ पे। ये है मंदिर की फाइनल इमेज, तो चलिए चला जाए। प्लीज़ हमारा अगला पॉइंट, व्यू पॉइंट, जिसका नाम है गोपी तालाब। तो चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ। कुछ मंदिर बने हुए साइड में और यहाँ से उसकी एंट्री है और सामने की तरफ तालाब है। यहाँ से है इसकी एंट्री, मेन प्रवेश द्वार है। और ये वही तालाब है गाइस जहाँ पर कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा के भाग जाया करते थे, आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा। अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। 5000 साल से अधिक पुराना तीर्थ धाम लिखा हुआ है, देखो एंट्रेंस पे गोपीनाथ मंदिर। बाहर आके यहाँ पे कुछ गाय खाना खा रही है और सामने की तरफ गोपी तालाब है पूरा, आप देख सकते हो। दिखाता हूँ मैं आगे थोड़ा चल के। तो मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और ये लोकेशन जो है इसको यहाँ का द्वारका का सनसेट पॉइंट देखते हैं बोलते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है। और यहाँ पर पास में एक भड़केश्वर महादेव भी है, विद्येश्वर या भड़केश्वर महादेव ऐसा ही कुछ नाम है उसका, मैं दिखाता हूँ। बहुत सही जगह है यार ये, बहुत ही शानदार बैठ के मज़े लेने का। यहाँ पे ATV है, अगर आपको राइड्स लेनी है तो ले सकते हो। ऊँट है, जैसे आपने सोमनाथ में भी देखे थे, सोमनाथ में भी ऊँट थे बहुत सारे, यहाँ भी है। इन पर बैठ के आप राइड ले सकते हो ऑल द वे सामने तक।
और सामने एक लाइट हाउस भी दिख रहा है, लोग बैठे हुए हैं काफ़ी, और सामने की तरफ आप देख सकते हो सूरज ढल रहा है। इसका मैं टाइम लैप्स निकालूंगा अभी, चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखो आप सामने ऊंट पे लोग मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पर है सामने पूरा समंदर, अरेबियन सी, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। गोवा में आके तो लोग बहुत मज़े लेते हैं ना, बट थोड़ा यहाँ पर भी आके मज़े लो यार, इस जगह का सुकून, इस जगह का मज़ा ही अलग है। और वो जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है वही भड़केश्वर महादेव है। बहुत सही वाइब्स हैं इस जगह की, मज़ेदार। और लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली स्नान करना मना है, जस्ट बिकॉज यहाँ की टाइड्स बहुत हैवी हैं, बहुत तेज़ हैं, इसलिए। यहाँ नीचे पानी गहरा है, नीचे पानी में जाना मना है। पर बहुत मज़ा आ रहा है यार, हवा बहुत अच्छी चल रही है। कल तो सोमनाथ में गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी, पर अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर सही है, जस्ट बिकॉज अभी शाम की 7 बज रही है, इसलिए। खैर चलते हैं आगे की तरफ। वो देखो भाई सूरज जस्ट जा रहा है। मैं पहले टाइम लैप्स निकाल लेता हूँ इसका और फिर आपसे बात करूँगा आगे। ये रहा सामने श्री भड़केश्वर महादेव टेम्पल, भड़केश्वर नाम है इसका। भाई जगह कैसी दिख रही है, शानदार। सूर्यदेव तो अंदर चले गए, तो अब अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं। भड़केश्वर महादेव आपको दिखाता हूँ और मैं अभी दर्शन करता हूँ। ऐसा लग रहा है अभी पूरा न्यू कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और ये रहा जी टेंपल, ये नंदी जी यहाँ पर विराजमान है और सामने की तरफ है शिवलिंग। भड़केश्वर महादेव जो है उसकी अभी आरती चालू हो गई है, मैं आपको आरती दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी आरती हो रही है यार, देखो और मजे लो।
यहाँ है गायत्री मंदिर और जस्ट इसके पीछे यहाँ पर बैठने की जगह, वहाँ से एंट्री है सामने से, और यहाँ पे समुंदर है वही जैसा भड़केश्वर महादेव में था, और वो जो मैंने आपको लाइट हाउस दिखाया था ना वो यहाँ से भी दिख रहा है। ये रहा वो लाइट हाउस आपके सामने। यार वाइब्स बहुत अच्छी हैं इस जगह की, नो डाउट। सुबह आओगे ना तो सुबह बैठ के काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर मंदिर के पास में, और इवन वो भड़केश्वर महादेव जो जगह है वहाँ पर भी बहुत मज़ा आएगा मॉर्निंग में। खैर इधर भी आपको सामने जो दिख रहा होगा यहाँ और मंदिर है, और यहाँ पे भी आप पूरे किनारे पे बैठ सकते हो जहाँ बैठना चाहो। और ये एक लॉर्ड्स इको इन करके होटल है सामने, बहुत बड़ा अच्छा खासा होटल है। पहले मैं बुकिंग करने वाला था इसमें, 4,000 रुपये पर नाइट में मिल रहा था ये मुझे, फिर मैंने सोचा छोड़ो बाहर ही तो घूमना है, होटल लेके क्या करेंगे महंगा, तो मैंने स्वाति ले लिया, जस्ट सामने ही है। चलिए चला जाए अब फाइनली आगे की तरफ। यहाँ पर भी भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और रास्ते में एक गीता मंदिर भी था, उधर भी कोई भी नहीं था और बंद बंद जैसा लग रहा था, इसलिए मैं भी अंदर नहीं गया। खैर मैंने गीता मंदिर तो आपको वैसे भी सोमनाथ में भी दिखाया था, वहाँ पर भी है, और वैसे भी जिस भी तीर्थ स्थल पर आप जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी आपको मंदिर वैसे भी देखने को मिलेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और इस मंदिर का नाम है गाइस सिद्धनाथ महादेव। मैं दिखाता हूँ अंदर से, हो रहा सामने लाइट जल रही है। गाइस ये है अगली जगह, इसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर, बहुत अच्छा बना हुआ है ये भी, और आप देख सकते हो सामने। एकदम ग्रैंड बना हुआ है मंदिर। कृष्ण जी के अलग अलग अवतार हैं यहाँ पे। मैं आ चुका हूँ अभी द्वारकाधीश की गलियों में, जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो मेरे जो होटल है उससे काफ़ी पास था, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर्स, और आप द्वारका की गलियाँ, और यहाँ से सीधे द्वारकाधीश टेम्पल है। हालांकि मुझे अंदर फ़ोन ले जाने नहीं दिया जाएगा, बाहर ही रखना पड़ेगा, तो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
और यही द्वारका जो है ना, ये द्वारका का मेन मंदिर है, द्वारकाधीश टेम्पल। बहुत सारे होटल्स हैं आइट साइड में, खाने पीने का सामान मिल रहा है, आगे चल के प्रसाद भी मिलेगा होपफुली। ये देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और ये रहा वो मेन मंदिर द्वारकाधीश। बाहर यहीं पे सारी चीज़ें रखने की जगह, शूज़ और अपना कोई सामान वामान हो, मोबाइल पर्स फ्री है पूरा, और मुझे यहीं रख के यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर का तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, वो तो आप लोगों को आके ही देखना पड़ेगा। खैर अभी अपना सामान रखता हूँ और जाता हूँ अंदर की तरफ। भाई दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, पर अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं पाया, तो आपको वो खुद ही आके करना पड़ेगा, वो खुद ही देखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। खैर अभी ये जो यहाँ का लोकल मार्केट है, आप देख सकते हो यहाँ का लोकल मार्केट है, जो ये टेम्पल है, ये सामने टेम्पल है पूरा, एंट्री वहाँ से है, और यहाँ पर साइड में पूरा लोकल मार्केट है जहाँ से आप मिठाई और चीज़ें खरीद सकते हो अलग अलग, कुछ पसंद आए आपको। बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। मैंने तो अभी लस्सी पी यहाँ से, मज़ा आ गया लस्सी पी के, और यहाँ पे आए और लस्सी नहीं पी तो फिर क्या ही द्वारका है। नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ लस्सी ज़रूर पीता हूँ, मज़ा आता है लस्सी पीने में, इट्स वेरी डिलीशियस। और ये साइड की दुकानें, और यहाँ पे बाइक्स भी है रेंट के लिए, अगर आपको बाइक्स चाहिए रेंट के लिए तो आप इजीली ले सकते हो, और ऐसे ही पूरा द्वारका घूम सकते हो। गाइस थोड़ा सा आगे आओगे ना आप उसी रास्ते पे, ये पीछे जो है, ये पीछे वाला रास्ता द्वारकाधीश वाला है, होटल्स बहुत सारे हैं। ये श्रीनाथ जो है होटल बहुत फेमस है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे गुजराती खाना खाना है, और यहाँ पर अगर पंजाबी खाना खाना है तो ये पुरुषोत्तम है, ये बहुत फेमस है यहाँ का, तो ट्राई करना कभी आओ यहाँ पर। तो उसके अलावा ये गुरु प्रेरणा जो बीकन होटल है, ये भी बहुत अच्छा है अगर स्टे लेना है आपको फैमिली के साथ। और इसके अलावा होटल पुरुषोत्तम है, उसके अलावा मेरा होटल स्वाति है, लॉर्ड्स इन मैंने आपको दिखाया है, और सामने एक दिख रहा होगा होटल विट्स, वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी स्टे ले सकते हो आप आराम से। यहीं सारे होटल्स हैं, और यहाँ से सामने की तरफ जो है वो मेरा होटल है स्वाति, ये जो येलो बस खड़ी है यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो स्वाति होटल आएगा, और उधर पीछे की तरफ, जस्ट मेरे पीछे की तरफ द्वारकाधीश मंदिर जाने का रास्ता है, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रुकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ, लिमिट ही नहीं है, इतने सारे होटल्स हैं यहाँ पर, तो बहुत ईजिली आपको स्टे मिल जाएगा। बजट से चाहिए बजट भी मिल जाएगा, ऊँचा स्टे चाहिए तो मैंने आपको ये 2-3 होटल्स बता ही दिए, ये सब ऊँचे होटल्स हैं यहाँ के द्वारका के। खैर अभी रात हो गई है, 10 बज गई है, तो अभी थोड़ा खाना खाया जाए और अब आराम किया जाए, फाइनली चलता हूँ अपने होटल और कुछ खाया जाए अब जाके। तो ये मेरा वाला होटल है, होटल स्वाति, अच्छा खासा होटल है, अंदर से भी अच्छा है, और ये भी स्टे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जस्ट ये बीच वाली गली से अंदर की तरफ जहाँ पे मैंने आपको बाहर के होटल्स दिखाए। तो गाइस कल रात को तो आने के बाद मैं सो गया यार, खाना खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। मैंने ऐसा सोचा था कि मॉर्निंग में उठूंगा और मॉर्निंग में उठने के बाद बेड द्वारका जाऊंगा और दूसरा इस्कॉन जाऊंगा,
बेट द्वारका एक्चुअली द्वारका से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की दूरी पर है, 30 किलोमीटर्स का रास्ता है, जहाँ पर आप ट्रेन से भी जा सकते हो। डायरेक्टली आपको ट्रेन मिलेगी द्वारका से बेट द्वारका के लिए, और अगर आप जाना चाहो तो किसी ऑटो वाले बंदे को भी पकड़ के वहाँ पे जा सकते हो। जो बेट द्वारका है वो एक्चुअली वो वाली जगह है, मतलब जहाँ पर जो कृष्ण जी थे वो वहाँ पर रहा करते थे अपने शासक के दौरान, ऐसा बोला जाता है। और जो द्वारका है वहाँ पर वो रूल किया करते थे, और बेट द्वारका में वो अपनी सारी गोपियों के साथ रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो गरुड़ भगवान है विष्णु जी के जो वाहन है, वो उनको रोज़ वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करते थे। और उसके अलावा जो जितनी भी उनकी गोपियाँ हैं, जो 16,108 शायद हैं, उनके साथ वो वहीं पे रहा करते थे। उसके अलावा वहाँ पर सुदामा से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। उसके अलावा मीराबाई ने अपने बहुत सारे लम्हे वहाँ पे गुजारे थे, और आखिरी के पल मीराबाई ने वहीं पे गुजारे थे। बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त थी वो, आपको पता होगा। बेट द्वारका के लिए जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी। जब आप ओखा नाम के गांव में पहुंचोगे, जो द्वारका से 30 किलोमीटर्स दूर है, ओखा से आपको फेरी लेनी पड़ेगी। वो पूरी फेरी भरती है, उसके बाद ही आपको वो सेंटर में ले जाएंगे। जो बेट द्वारका है, बेट का मतलब, जो गुजराती लोग हैं ना वो इसको बेट का मतलब ये बोलते हैं, एक ऐसी जगह जो पूरी पानी से घिरी हुई हो, उसका नाम बेट होता है गुजराती में, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है बेसिकली। तो आपको फेरी लेकर जाना पड़ेगा सेंटर में ओखा से, और अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। और आपको पूरा वहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल देखने को मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, सुदामा जी के, बलराम जी के, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर जो आप जाके विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे कृष्ण जी की शायद ऐसा बोला जाता है कि 5,000 ईयर्स पुरानी एक वहाँ पर मूर्ति पड़ी हुई है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। तो आज प्लान तो ऐसा ही था कि वहाँ पे जाना है, पर मैं एक्चुअली जा नहीं पाया ड्यू टू मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया था यार आज मॉर्निंग में, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। और मेरी जो ट्रेन थी वो ट्रेन अहमदाबाद के लिए थी फ्रॉम द्वारका, बिकॉज़ द्वारका से डायरेक्टली मेरे को अपने घर के लिए ट्रेन नहीं मिल रही थी, तो अहमदाबाद आ गया। और अहमदाबाद से अभी फ़्लाइट है, सुबह 5 बजे के आसपास फ़्लाइट है। 9 बजे मैं यहाँ पर आया था सेकेंड डे पे, रात मतलब सुबह 11 बजे की ट्रेन थी, और 11 से 8 बजे तक ट्रेन ने छोड़ दिया, और उसके बाद 8 से अब सुबह के 5 बजे तक इंतज़ार करना है यहाँ पे, और 5 बजे की मेरी मॉर्निंग में फ़्लाइट है घर के लिए। उसके बाद मैं प्रोबेबली नेक्स्ट लोकेशन पे जाने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा जो सिक्स वाला ज्योतिर्लिंग है वो कम्प्लीट होता है, और उम्मीद है आप सबको इसमें बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अभी तो खैर मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ, आप देख सकते हो शांति अभी बहुत, कोई भी नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं है इधर, बहुत शांति है। मैं तो 5-8 घंटे से बैठा हूँ, थोड़ी देर लॉन्ज में बैठा, इन्जॉय किया वहाँ पर, और अभी बस इंदौर जाने की तैयारी है वापस अपने घर पर। और होपफुली आप लोगों से महाराष्ट्र में मिलूँगा, जस्ट बिकॉज़ जो आगे के जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में ही है, तो मैं महाराष्ट्र में मिलूँगा इसके बाद आपसे। और एक दो दिन का अभी शायद थोड़ा पॉज लूँगा, जस्ट बिकॉज़ मेरे को इन्फेक्शन हो गया है स्टमक में, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था शायद, इसलिए दिखाना पड़ेगा मुझे जाके। हालांकि मैं इसलिए वापस नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम भी है, और ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो रहेगा वो हम महाराष्ट्र में मिलेंगे, और वहीं पे आगे की यात्राएं अपनी कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है गाइस आपको मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है, आपको मालूम है, दैट्स द लीस्ट दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। बिकॉज जब आते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, सारी चीज़ें करते हैं आपके लिए, आपके इन्जॉयमेंट के लिए, और साथ में लाइक एक वर्चुअल दर्शन आपको होते हैं, तो दैट्स द लीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज़ कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। इससे दूसरी जो ऑडियंस है उनको रीच मिलती है, और होता यह है कि जो ये वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, बिकॉज़ यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा ही है। तो प्लीज़ इतना कर देना मेरे लिए, और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख देना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। और
दर्शन करते हैं अपने 7th ज्योतिर्लिंग के। चलिए, बाय बाय।